हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ स्मॉल वर्क फॉर यू ऑन मैथ्स. ओके, सो व्हाट इज यर, व्हाट यू हैव टू डू, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स एट द कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगल इज रिटन इनसाइड द ट्राइंगल. ओके, फिल इन द ब्लैंक बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं ना, ये आपको फिल करना है. एंड देर द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, ये जो है ना थ्री नंबर्स का सम है. You have to choose that what will be the correct answer. You have to fill with the correct answer. Okay, so यहाँ पर क्या बात है, ये 90 है, ये three numbers का sum है, जिसमें कि one number क्या है 10 and the second one is 30. And you have to write the next. और मैंने यहाँ पहले से 50 लिख दिया. So 30 plus 50 makes 80 plus 10 is equal to 90. Like that you have to complete the all the triangles. ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 500. ओके, 500 है और यहाँ पे आपको थ्री बॉक्सेस दिए हुए, आपको फिल करना है विद द करेक्ट सम्स, करेक्ट नंबर्स. तो 100 प्लस 200 एंड इट्स मेक 300. नाउ व्हाट यू नीड टू कंप्लीट दिस वन, सो 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300. एंड 300 अगर मैं यहाँ पे आपको रफ में लिख के दिखाऊँ, ये देखो 300 एंड द सम इज 500. तो नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यू कैन डू लाइक दिस, 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200. सो इट्स मीन 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300. और 300 में कितना प्लस करेंगे तो 500 आएगा. यू आर वेरी इंटेलिजेंट. सो आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, 200. सो 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 एंड 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500. सो द नेक्स्ट वन इज 9000 और ये क्या है 4000. 1000, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कितनी थाउजेंड, यू हैव टू कंप्लीट एंड गिव मी द आंसर ऑन कमेंट बॉक्स. ओके,